यही वो पांच पॉइंट्स है, यही वो पांच कंपोनेंट्स है जो आपको चाहिए ट्रेड प्लान करने के लिए। ये देखो मैं मेरी जर्नल के पेजेस आपके लिए लेके आया हूँ, मेरे खुद का एनालिसिस करा हुआ, शीट को समझ लो, इंट्राडे का ट्रेंड क्रैक कर लोगे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सीक्रेट्स रिवील्ड की न्यू वीडियो। इस सीरीज के अंदर मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको अभी तक सिखा दिया है, डेटा समझा दिया, ऑप्शन चेन समझा दिया, एफआईआई शीट समझा दिया, इंट्राडे में अपना बिग मूव्स के बारे में आपको मैंने बताया, लेवल्स कैसे मार्क करने हैं वो समझाया, स्टॉक सिलेक्शन मैंने आपको बताया। आज उसी सीरीज के अंदर ट्रेड प्लानिंग के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रेड प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहता है। बेसिकली ट्रेड प्लानिंग का जो सेंस है, सेंस ये निकलता है कि चार्ट को एनालाइज कैसे करना है। लोग चीजें सीख लेंगे, उनको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा, उनको फिबोनाची समझ में आ जाएगा, उनको लेवल समझ में आ जाएगी, बट उनको साथ में जोड़ के कैसे देखना है, एक नजरिए से उनको अलाइन कैसे करना है, वो सब नहीं समझ पाते। तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रेड प्लानिंग के बारे में समझेंगे कि किस तरह से पूरे चार्ट का एनालाइज करके अगले दिन के लिए सिनेरियोस क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सारा आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको ट्रेड प्लानिंग के बारे में बता देता हूँ। ट्रेड प्लानिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है? ट्रेड प्लानिंग जो होती है, ट्रेड प्लानिंग का मतलब है इक्वल्स टू फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसीजर्स कंसिस्टेंटली ऑन डेली बेसिस। मतलब कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपने पहले से क्रिएट कर लिए हैं और उनको अब आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी, चाहे ट्रेडिंग हो, लाइफ हो, कोई भी आपका जीवन में कोई भी कार्य हो, कोई भी बिजनेस है आपका, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जितना कंसिस्टेंटली आप काम करोगे उस चीज के लिए, जितना ईगरली आप उसमें टाइम दोगे, उतना आपको उसके आगे एक्स टाइम्स ऑफ रिजल्ट मिलेगा। आप 2 घंटे काम करोगे तो आपको 2 गुना रिजल्ट मिलेगा, 2-3 टाइम काम करोगे तो आपको 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। तो जितना रेशो में आप काम करोगे उससे ज्यादा में आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एकदम एक्सपोनेंशियली वर्क करता है। धीरे धीरे एफर्ट्स दिखने लगते हैं और आपको अपने रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, राइट? तो हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने पेपर्स के लिए पढ़ते हैं या जो भी है, अपने जितना टाइम देते हैं उतना ज्यादा अपने इंप्रूव होते हैं धीरे धीरे। उसी तरह से ट्रेड में भी आप एनालाइज करने के लिए जितना टाइम दोगे, अपने रूल्स को जितना इजीली फॉलो करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, उतना आपको रिजल्ट आपने इसमें मिलते रहेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं ट्रेड प्लानिंग के बारे में, जानते हैं कैसे करते हैं। उससे पहले मैं खुद दिखाता हूँ कि मेरी जर्नल के अंदर मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, वो क्या क्या चीजें थी जो मैं देखता हूँ और किस तरह से मैं इसे मेंटेन करता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरी जर्नल के पेजेस हैं, ट्रेडिंग प्लान मैंने यहाँ लिख रखा है ना, ये सारे मेरे पुराने एनालिसिस करे हुए पेजेस हैं। यहाँ ट्रेड प्लान, यहाँ देख सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड प्लान, ट्रेड प्लान, ये जो भी है ये मेरे खुद के मेरी जर्नल के हैं, जो मेरी ट्रेडिंग जर्नल के हैं। मैं आप सभी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी गलतियां आप तक पहुंचाएगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको बताएगी। ट्रेडिंग जर्नल इज इक्वल टू स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, पूरा एनालिसिस आपको करके देती है एज अ मशीन, या आपके लिए आपको फीडबैक्स लाके देती है। जैसे एक बिजनेस के लिए कस्टमर उसको फीडबैक लाके देते हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग जर्नल आपका कस्टमर है, वो आपको अपने बिजनेस के बारे में आपको पूरे फीडबैक्स लाके देगी, आपको अपॉर्चुनिटीज बताएगी, आपको आपके थ्रेट्स बताएगी, वीकनेस बताएगी, स्ट्रेंथ बताएगी, कहाँ पे आपको काम करना चाहिए, कहाँ पे आपको और अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपकी अच्छी है, वो सब आपको ट्रेडिंग जर्नल मदद करती है। तो आप सभी को भी मेंटेन करनी चाहिए। सो इसमें आप देखोगे ना, बहुत जो कोई मेन कॉम्पोनेंट मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ट्रेडिंग प्लान के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, ट्रेडिंग प्लान के कुछ पर्सपेक्टिव्स है, उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको मेन चीजें बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए, ट्रेडिंग प्लान के लिए हमें करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमें नेक्स्ट डे का ट्रेंड पता करना है, हमें ये प्रोबेबल सिनेरियोस बनाने हैं कि अगले दिन मार्केट कैसा मूव कर सकती है और कैसे उसके अंदर काम करें कि हमारा उसमें पैसा बन जाए, राइट? सो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए अगर हम चार्ट एनालिसिस करके रख रहे हैं अगले दिन के लिए, तो क्या क्या देखें? सबसे पहले होता है डेटा, देखो यार कहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे बड़े लोगों की पोजीशन बनी हुई है, कल के लिए उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रिप किया है, वो सब चीज चेक करना होता है। फिर चार्ट चेक करते हैं कि चार्ट में क्या क्या देखना है, चार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उस चार्ट के बाद में हमें क्या देखना होता है कि उस इन दोनों को मिला के क्या क्या सिनेरियोस हम बना सकते हैं, कहाँ पे मार्केट जा सकती है, उस चीज के बारे में हमें एनालिसिस करना होता है, वो सारा हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो है हमारा एंट्री एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये सब कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। पूरा देखना वीडियो को तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो
बेसिकली आप आए देख के चले गए, आधी नॉलेज लोगे कोई फायदा नहीं है, कंप्लीट करेंगे तो ही आपको इसमें से रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास रहता है सबसे पहले डेली ट्रेंड क्या रहता है। इसके साथ साथ हम कल के लिए जो मंडे का एनालिसिस है वो भी साथ में कर लेंगे, वो भी हम देख लेते हैं, मंडे के लिए भी हम एनालिसिस कर लेंगे आज इसी चार्ट के एग्जाम्पल के तौर पर। डेली ट्रेंड क्या रहता है, फिर की लेवल्स कौन सी है, उन्हें कैसे मार्क करना है, चार्ट के अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट चल रहा है, किस तरह की रेंज बन रही है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो सब एनालाइज करना है। फिर ये तो था ईओडी का काम, एंड ऑफ द डे एनालिसिस का काम। फिर आता है एंट्री सिग्नल कि हमारा एंट्री का सिग्नल कहाँ बन सकता है, हम एंट्री कहाँ बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, कैसे देखना है उसको, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सब एंट्री सिग्नल के अंदर। फिर रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिस्क क्या रखेंगे कल के लिए, हमारा क्या ट्रेड में रिस्क रहना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डेली ट्रेंड से। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ जो आपके काम आएगी। देखो इस तरह से एक पेज मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, जो बेसिकली अभी मैंने आपको मेरी जो जर्नल दिखाई थी उसी में मैं इसी पैटर्न में काम करता हूँ। इसका मैं एक आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। बेसिकली इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है कि आप इसके जो मेन कॉलम्स है उनको रख सकते हो और इसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो, इससे ऑब्जर्वेशन करना आसान रहता है। मुझे पर्सनली लिख के रखना चीजें अच्छी लगती है तो मैं राइट करता हूँ। अगर आप ऑनलाइन आप कहीं नोटपैड वगैरह पे रखना चाहते हो, वैसे करना चाहते हो, जैसे भी आपको सुटेबल रखे, बट करो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। क्योंकि हाथ से लिखने पे चीजें क्या है ना, जल्दी दिमाग में रहती है और वो काम भी करती है। फिर सुबह उठ के आपके पास है भी कि देख लिया यार, हाँ यहाँ ये मेरे चेकमेंट से मार्केट में ट्रेड करने से पहले, सो आपको एक बड़ा आइडिया हो जाता है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ रखा ट्रेडिंग प्लान, एनालिसिस डेट कौन से दिन एनालिसिस कर रहे हो, ट्रेडिंग डेट कौन से दिन ट्रेडिंग करना है, ग्लोबल क्यूज क्या क्या है कि मार्केट के अंदर जो फॉरेन मार्केट्स की ग्लोबल मार्केट्स के जो क्यूज है वो, कोई इवेंट इंपॉर्टेंट है तो देख लिया, डेटा ऑब्जर्वेशन, हमारा एफआईए डेटा के ऊपर वीडियो है वो, उससे आपको ऑब्जर्वेशन डेटा कैसे करना है, कहाँ पे बड़े लोगों की पोजीशन है, चार्ट ऑब्जर्वेशन, पूरे चार्ट के ऑब्जर्वेशन क्या क्या आपके लिए है, एक्शन प्लान कि भाई कल के क्या सीनेरियोज है कि यहाँ पे इससे ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इससे नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, इसमें रहेगा मैं नहीं खरीदूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे लिए ये लेवल है, ये मेरा प्लान है। तो इससे क्या होता है कि आप मार्केट को आप मौका नहीं देते कि ट्रेड करवाए, धक्के से आपसे ट्रेड करवा ले, कुछ भी दिखा के ट्रेड करवा दिया, नहीं, आप पहले से प्लान्ड होके जा रहे हो, आपने एल्गोरिदम के अंदर कोड डाल दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा करूंगा, साइड ये आपने सेट ऑफ प्रोसीजर्स क्रिएट कर लिया है, इससे एक तरह का डिसिप्लिन जनरेट होता है जो कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देने के लिए एलिजिबल कर देता है, ठीक है। इसके बाद में अदर नोट्स, तो कोई अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है तो आप वहां ये भी लिख सकते हो। तो बेसिकली इससे आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान कवर हो जाएगा, कल क्या करना है उसका एक्शन प्लान आपको रेडी हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस, ओके। सो इस तरह से आप ये एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए और उस पे काम कर सकते हो, राइट। सो लेट्स बैक अगेन और समझते हैं कि किस तरह से हम चार्ट को देख सकते हैं और क्या चार्ट की ऑब्जर्वेशन हमारी रहेगी। सो हम कंपोनेंट्स पे बात कर रहे थे, कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंपोनेंट से, डेली ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। सो डेली ट्रेंड के लिए तीन इंपॉर्टेंट मैक्रोस मैं कहता हूँ, ये तीन इंपॉर्टेंट मेरे लिए मैक्रोस रहते हैं। सो सबसे पहले FIDI की पोजीशन क्या है, वो कैसे स्टडी करना है, वो उसके लिए शीट आपको पहले से मैंने अपलोड करवा रखी है, मैं उसके बारे में आपको अभी आज, जैसे हम कल मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं तो मंडे के लिए एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको पूरा वो एनालाइज करके दिखा दूंगा। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है DJI, डाउ जोन्स इंपॉर्टेंट है और नैस्डेक इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ग्लोबल मार्केट्स रहते हैं, इनको हमें समझना होता है। क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे कैसे हो रही है, इंट्राडे के अंदर भी ट्रेंड करने के लिए भी वन डे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले FII के मैक्रो से। तो ये FII की शीट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखोगे सबसे पहले 9 जून लिखा है। 9 जून क्यों लिखा है भाई, 9 जून का मतलब ये है कि 9 जून का यहाँ पे डाटा अपलोड किया गया, ये 9 जून का डाटा है, 9th ऑफ जून का डाटा हमने यहाँ पे रखा है। अब देखो FIS के अंदर हमें क्या देखना होता है कि ये जो है ये समरी है, ये समरी पेज आप देख रहे हो, ये जो भी यहाँ पे हुआ है उस चीज की क्या है, समरी, इसको हम समझेंगे। कि आप देखोगे FIA ने इंडेक्स कॉल कितना शॉर्ट किया, 37,000 नेगेटिव, जो कि बियरिश है। बोटनेट इंडेक्स पुट, इंडेक्स पुट कितना खरीदा, 1,12,000, जो कि बियरिश है, ठीक है। उसके बाद में प्रोज को देखेंगे, प्रोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और FIA से इंपॉर्टेंट होते हैं। सोल्ड नेट इंडेक्स कॉल 39,000 एंड 1,17,250 इंडेक्स पुट्स। तो ओवरऑल ये क्वांटम और ये क्वांटम अगर आप देखोगे तो 1,50,000 के अप्रोक्स ये है
150,000 के अप्रोक्स ही है, तो लगभग 3 लाख शॉर्ट्स हमारे सिस्टम में बैठी है। उतनी ही कुछ शॉर्ट सारा इन्होंने माल खरीदा, जो बेचा इन्होंने खरीदा, ये कौन है, क्लाइंट्स है। लगभग 3 लाख इन्होंने खरीद रखा है, उतना ही 3 लाख इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। तो बेसिकली FIAs का मेन प्लान क्या रहेगा कल के लिए, कि हमें शॉर्ट करना है। हमारा एक्सपेक्टेशन इस डाटा से क्या निकल के आता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड रह सकता है वो बेयरिश हो सकता है। पहली चीज हमें यहाँ पता चला कि जो ओवरऑल ट्रेंड हो सकता है वो बेयरिश रह सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स फ्यूचर। अब यहाँ देखो कि इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन ये रही, इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन FIAs की, इंडेक्स फ्यूचर एक दिन पहले 6,000 थी, 2 दिन पहले एक -1.5 की थी, आज हो गई बढ़ के -12,000। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर बढ़ रहे हैं, पर 12,000 इतना कोई बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टिल ओके ये नेगेटिव है, हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। तो एक कंफर्मेशन ये है, एक कंफर्मेशन ये है, एक कंफर्मेशन ये है, ये पूरा मिला के हमें क्या दिख रहा है, ये टोटल बेयरिश है। इसके बाद में एक कंफर्मेशन और ले सकते हो कि FIAs की जो नेट पुट्स जो इन्होंने बाय कर रखी है, ये आराम से कहां बैठ रही है, 3,91,000 पुट इनकी बाय है। तो आराम लगभग ये कितना हो गया, लगभग 4 लाख पुट इनकी बाय पड़ी है, या फिर कह सकते हो कि लगभग जो पुट का काम इन्होंने कर रखा है वो अराउंड से 4 लाख है। तो 4 लाख पुट बहुत होती है, ये भी एक बड़ा नंबर है, इसको भी हमें देखना होगा। तो इनसे हमें एक आइडिया हो रहा है कि ओवरऑल इनका जो गेम है वो बेयरिश हो सकता है, यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा बेयरिश लग रहा है। ठीक है, तो हमने पहला काम क्या किया, चार्ट से सब शीट से एनालिसिस किया। शीट से हमें क्या पता चला कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रख सकते हैं वो है बेयरिश। इनका जो काम कर रहा हुआ है, इनका जो काम किया हुआ है वो सारा बेयरिश लग रहा है। ठीक है जी, पहली चीज हमें समझ में आई इसके हमारे FIA से। अब हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करते हैं और फिर क्लोजिंग को देखेंगे। तो ग्लोबली हम थोड़ा चलें तो कैसे चेक करोगे ग्लोबली, हमारे पास क्या है, हमें जाना है investing.com पे। आप investing.com पे लॉग इन करोगे या ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक इंडेक्स का ऑप्शन होता है, जस्ट जैसे ये मार्केट मूवर्स एंड दिस इज द इंडाइसेस। इंडाइसेस के अंदर आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स +43 है। +43 का मतलब क्या हुआ, डाउ जोन्स की क्लोजिंग जो आई है वो 43 पॉजिटिव आई है। तो 43 इज नॉट अ बिग नंबर, 43 मतलब 0.13% ऑफ इंडेक्स ओनली, इतना कोई बड़ा नंबर तो है नहीं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट क्या कैसे ओपन हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो सकता है डाउ जोन को रिस्पेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में पूरा दिन नेगेटिव रह सकता है। तो हमारा यहाँ पे एक सिनेरियो तैयार हो रहा है, यहाँ से हमारे एक कह सकते हैं कि हम इंडेक्स से थोड़ा सा एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि मार्केट थोड़ा सा पहले क्या हो सकता है कि थोड़ा बुलिश ओपन हो, उसके बाद में डंप हो सकता है ऊपर की लेवल के ऊपर और क्लोजिंग बेरिश हो सकती है। तो पहला मैक्रो हमने ये निकाल लिया यहाँ से। अब थोड़ा क्लोजिंग भी देख लेते हैं टाइम फ्रेम के वाइज, मार्केट में कैसी क्लोजिंग आई है। हमें निफ्टी का एनालिसिस करना है, तो निफ्टी के लिए हम जा रहे हैं हमारा वन डे का चार्ट के ऊपर। अब ये वन डे का चार्ट है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा ड्रॉइंग ऑफ कर देता हूँ मेरी। तो चार्ट पे आप देखोगे तो तीन कैंडल, लास्ट की तीन कैंडल देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश मूव का साइन हमें देखने को मिल रहा है। कि यहाँ मार्केट था, पहले एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई ऊपर की लेवल पे, अब उसका एक कंटिन्यूएशन भी हमें ये शो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बेरिश कंटिन्यूएशन हो सकता है, हो सकता है एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो सकती है अगले दिन, उसके बाद में कंटिन्यू करें व्हाटएवर, बट हाँ कि एक बेरिश मूव स्टार्ट होने के चांसेस यहाँ से बन रहे हैं। और ऊपर की लेवल है, हाईर टॉप ऑफ द लेवल पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट था, रिजेक्शन लिया और वहां पे अभी हमारे पास एक बेरिश मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बेयरिश मार्केट के चांसेस ज्यादा हैं, थोड़े से चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये था हमारा बेसिकली ओवरव्यू, हमें पूरा ओवरव्यू कैसे लेना मार्केट का वो हमने देखा। कि हमने क्या क्या देखा, FIDA की पोजीशन से हमने देखा कि बेयरिश हो सकता है, पहले चीज ग्लोबल मार्केट के मैक्रोस पे देखा कि थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके फिर ऊपर की लेवल से डंप होने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि ओवरऑल FIA की पोजीशन नेगेटिव है। क्लोजिंग देखी डेली टाइम फ्रेम पे, ये भी हमें कैसी दिख रही है कि बेयरिश ही दिख रहा है, कि भाई क्लोजिंग के बेसिस पे भी मार्केट कैसा है, बेयरिश ही हमें देखने को मिल रहा है। तो डेली ट्रेंड से हमें क्या आइडिया हुआ कि मार्केट की एक मूव कैसे आ सकती है, कि एक अपर साइड में थोड़ा सा पॉजिटिव एंड देन अगेन बेयरिश मूव हमारे को वो दिखा सकता है, इस तरह का मार्केट रहने की चांसेस है। ओके, सो ये हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। सबसे पहला काम था ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, कैसे किया, बहुत इजीली। FIA की शीट को समझने के लिए और एडवांस नॉलेज चाहिए, सेशन की वीडियो अपलोडेड है, आई टैब में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेली ट्रेंड देख लिया, तो चलो अब बात करते हैं की लेवल्स ऑन द चार्ट्स की। तो वो कैसे मार्क करनी है, उनके लिए बेसिकली हम दो टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, दैट इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड अनदर वन इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। बेसिकली आप 15 मिनट्स पे बहुत अच्छी लेवल्स मार्क कर सकते हो, और बहुत से FIIs DIIs भी इसे यूज करते हैं। 15 मिनट स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलते हैं चार्ट पे और थोड़ा समझते हैं आगे के प्रोसीजर को। दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट, इसे 1 आवर पे लेके आते हैं। तो अभी ये मेरा कुछ पहले का थोड़ा सा एनालिसिस मैंने बना रखा है चार्ट के ऊपर, निफ्टी के लिए स्पेशली। यहाँ पे आप देखोगे ना, EMS बंद कर देता हूँ एक बार के लिए, तो ये लेवल्स मैंने निकाल रखे। मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, 15 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। तो लेवल मार्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक रूल याद रख सकते हो कि 2+3, या मतलब 2 से 3, 2 से 3 टचेस आपको देखने हैं। अगर आपको 2 से 3 टचेस मिल रहे हैं, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगी। उसके लिए आपको कोई ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आराम से मार्क कर सकते हो। और जहां जहां आपको लगे कि यहाँ से रिएक्शन आ सकता है, यहाँ से रिएक्शन आ सकता है, उन लेवल को आप मार्क कर लो, और फिर थोड़ा चार्ट को सुंदर देखने लायक बना दो, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन चार्ट में कोई ना रहे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थी। देखो पहले गैप की लेवल थी, यहाँ एक पीछे गैप का लेवल है, वो मैंने मार्क किया। गैप बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है मार्क करने के लिए। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक पुराना लेवल ये है, एक बड़ा जोन दिखा रखा है मैंने। ये जोन कौन सा है, ये जोन है हमारा जो ऑल टाइम हाई का लेवल था उसका। ये गैप की लेवल है, यहाँ पे लिख रखा है ये पुराना गैप का लेवल जो चल रहा था। अब यहाँ पे भी एक पुराना कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मैंने कहा 2 से 3 टचेस आपको चाहिए, 2 से 3 टच आपको मिल रहे हैं, आप उसी लेवल को मार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी आप 2 लेवल देख सकते हो, यहाँ पे भी एक लेवल है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन की लेवल्स है, मैंने वो मार्क कर रखी है 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज करके। ढंग से आपको देखना है कि कैसे मार्क करनी है, तो इसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे यूज कर सकते हो। उसमें मैंने आपको ढंग से समझाया कि किस तरह से आपको लेवल मार्क करना है। जैसे इस लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन, प्राइस रिएक्शन कितने बार प्राइस रिएक्ट हुआ, 2 से 3 बार हुआ, आप मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस रिएक्शन लेवल मार्क कर दे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी मार्केट रुका, होल्ड किया, हमने एक प्राइस रिएक्शन लेवल मार्क कर दे। इधर देखोगे तो यहाँ पे भी एक प्राइस रिएक्शन की यहाँ पे लेवल मार्क कर दे। ये ऊपर की 3 लेवल ये पुराने एनालिसिस के, क्योंकि इससे पहले कोई चार्ट था नहीं, बहुत पुराने, जो जब ऑल टाइम हाई लेवल मारा था मार्केट ने, ये जब की लेवल चल रही है, तो ये उस टाइम से मार्क की हुई है। इस तरह से लेवल मार्क कर सकते हैं, और रेलिवेंट चार्टिंग करनी है जो अपने लिए रेलिवेंट है, जितना मार्केट चल सकता है उतना चार्ट पे रखो, उसके बाद में बाकी लेवल्स को रिमूव कर दो, बाकी बाद में आप वापस मार्क कर लो। और एक हमारा ऑलराइट यहाँ तक अपना हो जाएगा लेवल्स का। तो हमने 2 पार्ट देखिए, ट्रेंड बना लिया, दूसरा लेवल्स को मार्क करना सीख लिया। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट होता है, दैट इज चार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब वो कैसे करना है, मैं अब आपको वो समझाता हूँ। पूरा बनाएंगे, पूरा सिनेरियो क्रिएट करेंगे, उसके लिए पहले हमें क्या क्या यूज करना है, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अप्रोच यूज करेंगे। 1 डे 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट, इस तरह से अपने टॉप टू बॉटम चलेंगे, और फिर हम देखेंगे ट्रेंड लाइन। इसमें हम ट्रेंड लाइन में इंक्लूड कर लेंगे मूविंग एवरेज, मार्केट फिर, जहां सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है कि सबको साथ में मिला के कैसे देखना है, कैसे सिनेरियोस बनाने हैं। ठीक है, हमने हमारा चार्टिंग का क्या किया, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज देख लिया, ग्लोबल मार्केट कैसा था, FIIs की पोजिशन देखी, कोई इवेंट था नहीं तो कोई मार्क नहीं किया, मेन मेन देख लिया। चार्ट एनालिसिस अब करेंगे, असली चार्ट एनालिसिस, लेवल मार्क करने के बाद में अब पूरा एक होलसम व्यू हम मार्केट का लेने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेट स्टार्ट फ्रॉम 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम में हमने देख लिया था पहले ही कि यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, दैट दिस क्लोजिंग, कि यहाँ पे पहले बियरिश एंगल्फिंग हमें मिला, बियरिश एंगल्फिंग लेवल हमें मिला, और उसके बाद में हमें क्या मिला, एक फॉलो अप कैंडल भी मिल रहा है, तो वो एक बेरिश साइन हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज तो हमने ये देख ली। ठीक है, उसके बाद में 1 डे पे आप देखोगे तो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल थी, ये ऑल टाइम हाई की लेवल थी, ये मैंने मार्क कर ली, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल से रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए मार्क कर रखी है। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये गैप की लेवल है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, वो गैप लेवल मैंने मार्क कर ली, क्योंकि यहाँ से भी गैप फिलिंग के बाद में रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। ठीक है, तो 2 लेवल ये हो गई। फिर यहाँ से ये एक पुरानी लेवल है, ये एक पुरानी लेवल है, एक ये पुरानी लेवल है, ये तीनों लेवल 1 आवर पे मार्क करी हुई है। तो 1 आवर पे लेवल कैसे मार्क करनी है, वो सब मैंने वीडियो में समझा रखा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। 1 आवर पे कर लिया। अब ये जो रेलेवेंट एनालिसिस है, बाकी जो लेवल्स है वो सारी 15 मिनट्स पे है। पास का चार्ट देखना है, मतलब आपको
पिछले 5-4 दिन की लेवल्स मार्क करनी है उनकी बेसिस पे, 15 मिनट का यूज करो। थोड़ा दूर हो गया चार्ट, बहुत दूर चली गई है लेवल, तो बनावर पे मार्क कर लो। इसके बाद में आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले बनावर पे कि एक बेयरिश एनगल्फिंग मिली हमें, पहली चीज। उसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल मिला। दूसरा, ऑल टाइम हाई की लेवल से रिजेक्शन आ रहे हैं, एक गैप की लेवल पेंडिंग है, जो एक थोड़ा सा सिनेरियो है कि यार ये गैप फिलिंग हो जाती तो थोड़ा अच्छा रहता, और कंटिन्यूअसली फिर बुलिश हो सकता, बेरिश हो सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा रुक सकते हैं क्योंकि गैप पेंडिंग है। तो एक चीज, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे यही दिखा रहे हैं कि बेरिश मार्केट है। अब हम आए अपने ईएमएस पे। बेसिकली मैं जो 3 लेवल यूज करता हूँ, 21, 50 और 200, ये 3 मैं यूज करता हूँ, बहुत रेलिवेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए यूज करता हूँ। अभी आप इसमें देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ये 50 की EMA यहाँ है, ये 50 की EMA तो यहाँ है, 200 की EMA है। अभी सबसे पास में कौन है, 21 की है। तो 21 की जो EMA है वो इस लेवल पे है कि अगर एक बार 21 की इनवैलिडेट हो गई तो मार्केट नीचे जा सकता है, बहुत अच्छे से नीचे जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि पहले 21 पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट ने दिखा रखा है, यहाँ से पहले 21 पे क्या रिस्पॉन्स मार्केट ने दिखा रखा है। मैं बाकी दोनों बंद कर रहा हूँ, मैं आपको 21 थोड़ा दिखाऊंगा। इससे पहले 21 कब इनवैलिडेट हुई थी, इससे पहले यहाँ पे जब मार्केट ने अपसाइड की मूव स्टार्ट की थी, जब 21 से ऊपर गया था, और अभी तक एक भी कैंडल ने 21 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब 21 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके आसपास की नीचे की क्लोजिंग मिली तो वहां से मूव स्टार्ट हो सकती है डाउन साइड की, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मार्क ऑन वन डे। तो हमने लेवल देख लिया, थोड़ी बहुत हमने ईएमएस से थोड़ा आइडिया लगा लिया, गैप की लेवल देख ली, 1 डे का हो गया। अब 1 आवर पे चलते हैं। अब ये जो एनालिसिस आप देख रहे हो, ये चार्ट पैटर्न, ये हम 1 आवर पे इजीली स्पॉट कर सकते हैं। 1 आवर पे देखोगे तो एक चैनल फॉर्मेशन थोड़ा दिख रहा है, ये चैनल फॉर्मेशन मार्केट ने बना रखा है, अभी उस पर टच आया है, अभी मार्केट उस चैनल पे है। अगर मार्केट कल क्या करता है, यहाँ से एक नीचे की कैंडल बनाएगा, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट देके नीचे जाता है, तो ये हमारा चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। एक एक सिनेरियो हमारा ये क्रिएट हुआ, और ये हमारे सिनेरियो को सपोर्ट भी करता है, जो हमने FIAs के डाटा से कनेक्ट किया था कि थोड़ा सा बुलिश ओपन होके मार्केट अगेन बेरिश मूव स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे यहीं ओपन हो, बुलिश थोड़ा सा फ्लैट, यहाँ ऊपर की लेवल से रिजेक्शन ले, थोड़ा सा इसके नीचे जाए, रिटेस्ट करे, एंड देन बूम नीचे की तरफ हमारे लिए पॉसिबिलिटीज ओपन कर दे। तो एक सिनेरियो हमारे लिए ये हो सकता है। और दूसरा कि डिस्काउंटिंग हो गई, मान लो डाटा थोड़ा डिस्काउंट हो गया, FIAs का जो डाटा था डिस्काउंट हो गया, तो मार्केट थोड़ा इस लेवल के आसपास घूमेगा और यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और इंट्राडे डाटा अगर बुलिश होगा तो हम यहाँ से ऊपर की ट्रेड बना सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, फिर अगला टारगेट हमारा ये रहेगा, इंट्राडे में इतना टारगेट हम रख सकते हैं इस लेवल से। तो दूसरा सिनेरियो ये हो गया, अगर डाटा डिस्काउंट होता है, उसके चांसेस थोड़े कम है बट मान लेते हैं ऐसा होता है तो, ठीक है। दो सिनेरियो हमारे पास बन रहे हैं, जब भी हमें ट्रेड करना है, सिंपल सा, हमें कोई लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, हमारा ये सिनेरियो बन गया। तो इस पे हम थोड़ी सी एमए और चेक कर लेते हैं कि किस तरह से एक्शन चल रहा है, कि अभी आप देखोगे यहाँ पे भी एक बियरिश व्यू को सपोर्ट मिल रहा है कि 20 जो 50 की EMA है, ये 50 की EMA है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। तो अब हमारे को थोड़ा सा एक ये कंफर्टेबल मिल रहा है कि ये इतनी विंडो हमें मिल रही है कि अगर मार्केट कल यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ रिटेस्ट ले लेता है और अगेन नीचे जाके रिटेस्ट देता है, तो हम यहाँ पे इजीली एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हैं। एक सिनेरियो हमने क्रिएट कर लिया यहाँ से, और जो हमारे जो डाटा था, FIA का डाटा था, उसको भी सपोर्ट कर रहा है, और चार्ट भी ऐसा ही हमें थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। तो 50 के नीचे क्लोजिंग करी है, तो कहीं ना कहीं एक बेरिश व्यू है। अभी टारगेट क्या रख सकते हैं कि अगर 50 के नीचे क्लोजिंग है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में टारगेट 200 EMA, 200 का मूविंग एवरेज हो सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम के बेसिस पे। ओके, दिस इज वन थिंग, ये हमने 1 आवर पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया, लेवल वगैरह जो थी वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये 1 आवर का काम हो गया। अब थोड़ा हम चलते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे थोड़ा और चलोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये भी ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर ली, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये 200 की EMA है। देखो, जो 1 आवर पे आपको 50 EMA का काम दिखेगा, वो आपको 15 मिनट पे 200 EMA बन जाती है, राइट, ये सेम रहता है। और जो 15 मिनट पे 50 EMA होती है, वो 5 मिनट पे 200 EMA बन जाती है। एक तरह का एक कोरिलेशन इनमें चलता है, दिस इज हाउ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वर्क्स। ओके, तो आप देख सकते हो 200 EMA यहाँ पे चल रही है। तो अब अगर हमें लॉन्ग करना है तो हम थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं कि यहाँ से रिटेस्ट आएगा, इसके ऊपर पहले क्लोजिंग दे, फिर इस लेवल पे रिटेस्ट दे, फिर हम यहाँ से लॉन्ग की तरफ देखेंगे, उससे पहले लॉन्ग नहीं करेंगे। तो सिनेरियो नंबर वन, अगर हमें लॉन्ग करना है तो, अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आए, मार्केट क्या करे, थोड़ा सा ऊपर बुलिश क्लोज हो, इस पे रिजेक्शन लेगा,
इसके नीचे क्लोजिंग देगा, इनके नीचे क्लोजिंग देगा, या इसके नीचे क्लोजिंग देगा, फिर हम इतना टारगेट या इतना टारगेट टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा प्लान हो गया, एक सिंपल सा हमने प्लान बना लिया इंट्राडे में कैसे काम कर रहे हैं अगले दिन के लिए। सो ये हेल्प करता है हमारा एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने डाटा को यूज किया। सबसे पहले डेली ट्रेंड को निकाला, बेरिश कैसे था, FIA का डाटा, ग्लोबल क्यूज और डेली चार्ट पे क्लोजिंग देख के, फिर की लेवल्स को मार्क किया 1 आवर और 15 मिनट्स पे, फिर कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर को मार्क किया मूविंग एवरेज की मदद से, या फिर कह लो कि चार्ट पैटर्न की मदद से, ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर देख के ये सब हमने मार्क कर लिया। तो ये हमारा ट्रेड प्लान हो गया, ये हमने राइट कर लिया। इसके बस इस पे हमारे दो कंक्लूजन बने कि FI का डाटा ये बोलता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन होके फिर बेरिश हो सकता है, चांसेस आर हाई, तो हमने पहला कंक्लूजन। फिर हमने चार्ट देखा तो हमने दो सिनेरियो बनाए कि अगर डाटा डिस्काउंट हुआ तो हम इस लेवल जो हमारे 1500 200 MA थी उस पे अगर रिजेक्ट थोड़ा सा बुलिश क्लोज करके रिटेस्ट बनाएगा तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा वहां से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा चार्ट, जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, जो चार्ट का चैनल पैटर्न बन रहा है वो ब्रेकआउट होगा और रिटेस्ट देगा तो हम उस पर शॉर्ट करते हैं। दो सिनेरियोस हमने क्रिएट कर लिए। अब एंट्री सिग्नल की बात करते हैं कि एंट्री सिग्नल कैसे जनरेट करने हैं। तो बेसिकली एंट्री सिग्नल में हम क्या देखना होता है कि आपको इंट्राडे में तीन कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। तीन कंफर्मेशन कैसी हो सकती है कि आपका एक तो जो चैनल पैटर्न था, अगर मान लो वो चैनल पैटर्न को सपोर्ट किया तो एक तो चैनल पैटर्न की कंफर्मेशन हो गई, दूसरा आपका रिटेस्ट एक कंफर्मेशन की तरह कर सकते हैं कि अगर हमें वहां पे शॉर्ट करना है तो आप पहले उसका ब्रेकआउट हुआ अच्छी कैंडल से, फिर रिटेस्ट कर लिया, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, ब्रेकआउट एक कंफर्मेशन, रिटेस्ट दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी कोई कंफर्मेशन कैंडल की हो सकती है, कोई EMA हो आपकी डायरेक्शन में हो सकती है, कोई और कंफर्मेशन, कोई लेवल ब्रेकआउट हो गया या कुछ भी, वो तीन कंफर्मेशन आपने देखिए अपना एक एंट्री सिग्नल जनरेट किया। अब आपको दूसरा चीज देखना है इंट्राडे डाटा। अब वो कहां से देखोगे मैं आपको थोड़ा इंट्राडे डाटा के बारे में बता देता हूं। इंट्राडे डाटा के लिए कुछ नहीं करना आपको, आप यहां जाओगे, आपको एक साइड ओपन करनी है ट्रेडिंग टेक, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अंदर कॉल वर्सेस पुट वाई मिलेगा, इसमें आप जाओ। यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देख रहे होगे, जब ये ग्रीन और ये रेड दोनों इक्वल हैं तो वो होता है डाटा फ्लैट, वो है डाटा फ्लैट, डाटा फ्लैट है। और अगर ग्रीन बार ऊपर है इसका मतलब बेरिश मार्केट है, और रेड बार ऊपर है तो इसका मतलब बुलिश मार्केट है, ठीक है। तो जब कभी भी डाटा फ्लैट है तो ट्रेड मत करना, अगर आपको बुलिश साइड बनाना है बेरिश साइड बनाना है मत बनाओ जब डाटा फ्लैट है। अगर मार्केट ऐसा इम्बैलेंस दिख रहा है, इन दोनों में इम्बैलेंस है ना, आप ये देख सकते हो कि अभी इम्बैलेंस है, ग्रीन वाला ऊपर है रेड वाला नीचे, हालांकि ये मार्केट अभी बेरिश होगा बट आप इसमें बुलिश ट्रेड भी बना सकते हो क्योंकि रिवर्सल ट्रेड भी बना सकते हो इस सिनेरियो में। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो है कि डाटा फ्लैट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो साइडवेज मार्केट की निशानी है, उसमें ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना सकता, और इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर ये दोनों बार इक्वल है, दोनों एकदम बराबर बराबर है या थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना, चाहे आपको कितना ही अच्छा चार्ट दिख रहा हो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि वो आपके लिए एक स्टॉप लॉस ही लेके आएगा, आपको कोई भी प्रॉफिट उसमें नहीं बनने वाला, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन, आप इसका यूज कर सकते हो कि फ्लैट नहीं हो, बुलिश बेरिश हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट ट्रेड आप बना सकते हो क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है, बट फ्लैट ना हो, फ्लैट है तो साइडवेज है उसमें ट्रेड नहीं बनाना। कैंडल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, देखो दो कैंडल जो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा बाइंग के लिए, वो रहता है सबसे पहला दिस इज कॉल्ड आइदर इट्स एन हैमर और वट एवर, ये वीक और एक छोटा सा ऊपर बॉडी, अब चाहे वो अब ट्रेंड में बन रहा है तो इसका उल्टा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम कुछ भी दे दो काम आपको मैटर होता है। दूसरा एक पावर बार कैंडल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल, क्योंकि ऐसी कैंडल सिर्फ FIIs मार्क कर सकते हैं या कोई प्रो बना सकता है, कोई हमारी तरह इंडिविजुअल क्लाइंट नहीं बना सकता, उनके बस की बात नहीं है इतनी वॉल्यूम में इतना बड़ा पैसा एक बड़ी कैंडल में क्लोज करना, 5 मिनट हो 15 मिनट हो, बट ऐसी कैंडल होगी तो ही मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है थोड़ा रहा मार्केट में कि इस तरह की दो कैंडल आपको देखने को मिले तो आप थोड़ा सा और कंफर्म हो सकते हो कि यार हाँ अब अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द एंट्री सिग्नल जिनको आप लुकआउट कर सकते हो अगर ट्रेड बनाना है तो। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनली ऑन द रिस्क मैनेजमेंट साइड। रिस्क मैनेजमेंट में मेरे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, मैंने कुछ फिक्स कर रखे हैं, ऑल्दो आपके चेंज हो सकते हैं आपके हिसाब से रख लो, बट ऑप्शन के अंदर स्टैंडर्ड 10% आप रख सकते हो क्योंकि छोटा अकाउंट है, ग्रो कैसे करोगे यार, अगर आप 200 रुपए का रिस्क लेके चलोगे ऑप्शन के अंदर तो कभी आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगी ना आप उसमें ट्रेड कर सकते हो ढंग से, क्योंकि 200 रुपए मतलब 4 पॉइंट हो गया ऑप्शन का, 4 पॉइंट के अंदर निफ्टी ट्रेड करना लिटरली इम्पॉसिबल है, मानो या ना मानो 1 मिनट पे ट्रेड करोगे वो सिर्फ स्कैल्पिंग होती है,
वो एक एग्जैक्ट ट्रेडिंग फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो 10% तक रिस्क ले सकते हो, छोटा अकाउंट है तो, बड़ा अकाउंट है तो 6% तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6% में मैनेज करने की कोशिश करो और कम करने की कोशिश करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट छोटा अकाउंट है, थोड़ा रिस्क लोगे तो ही अकाउंट ग्रो कर पाओगे, थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा। 10% तक रख सकते हो स्टॉक्स के अंदर, 4% पर डे मैक्स, पर ट्रेड आप 2% रख सकते हो, या अगर आपको चार ट्रेड बनानी है तो 1-1% ऑन अ ट्रेड, डिपेंडिंग अपॉन योर रेशियो, अगर आपके जो स्ट्रेटेजी उस पर डिपेंड करता है। बट 4% तक आप रख सकते हो स्टॉक्स में। टेक ट्रेड अंडर योर रिस्क एपेटाइट। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, कई बार मेरे को ट्रेड मिलती है 70-80 पॉइंट का, उसमें स्टॉप लॉस बन रहा होता है, तो मैं उस ट्रेड को क्यों लूंगा? मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो ट्रेड नहीं आ रही है तो मैं उसे क्यों लूंगा? 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, ठीक है, अच्छा है। बट अगर आपका एपिटाइट ही नहीं है, आप उसके 4 गुना, जो आप नॉर्मली 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो उस ट्रेड में, उसका अगर आपको 80-85 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है उस ट्रेड के अंदर, तो ऐसी ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 1:2 तो कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे इस हिसाब से। तो 1:1 तक भी 85 पॉइंट मूव करा, 85 पॉइंट मार्केट मूव करना मतलब बहुत बड़ी बात है इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि 0.33% के अबव तो गैप अप ही माना जाता है, राइट। सो ऐसा ट्रेड अवॉइड करो जो आपके रिस्क एपेटाइट में नहीं है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है। तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट, दैट इज पेशेंस। पेशेंस रखना होगा। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ, बेसिकली आपको थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ इस चीज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला होता है कि एक तो होता है मार्केट ने आपको कुछ दिखाया, दिखा दिया कि भाई मार्केट अब यहाँ से ऊपर है, मार्केट ने आपको ये दिखाया, आपने हाथों हाथ ट्रेड बना लिया। एक होता है मार्केट ने, आपने जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आपको कुछ शो किया, लाइक आपका एनालिसिस है। अब हमने ट्रेड प्लानिंग से हमने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, एक एल्गोरिदम बना लिया, एक एसओपी, एक सेट ऑफ प्रोसीजर जनरेट कर लिया, कि अब हमें पता चल गया कि भाई मंडे के लिए हमारा प्लान क्या है। एक चैनल चल रहा है यार, एक चैनल पैटर्न चल रहा है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, डाटा बुलिश है इंट्राडे का, और उसके बाद मेरे को 3 कन्फर्मेशन मिला, तो मैं ऊपर की तरफ छोटी सी ट्रेड देख लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो FIA का डाटा बोल रहा है नेगेटिव हूँ, ऊपर की तरफ रिजेक्शन बनता है, नीचे रिटेस्ट देता है, 3 कन्फर्मेशन मिल रहा है, इंट्राडे डाटा नेगेटिव है, तो बेधड़क छोड़ दो, बेधड़क शॉर्ट करो। उसके बाद में ट्रेडिंग, ट्रेड लेने से पहले ट्रेड को पेशेंटली वेट करो, जो आपने प्लान किया है वैसा मार्केट दिखाएगा तो ट्रेड करो, दैट इज पेशेंस। अगर ट्रेड ले लिया है तो कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, अगर ट्रेड बना लिया उसके बाद में कुछ नहीं सोचना, ओनली कॉन्फिडेंस। जितना मार्केट राइड करवाना चाहता है आपको उतना राइड करो, जितना उसका जूसी पार्ट है वो सारा आप गैदर कर लो, बस। ट्रेडिंग से पहले पेशेंस, ट्रेड लेने के बाद में कॉन्फिडेंस, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। और इतना से आप अच्छे खासा अपना इंट्राडे में काम कर सकते हैं, राइट। तो हमने हमारे तीनों चारों पॉइंट थे जो डिस्कस किए, ट्रेड प्लानिंग कैसे करना है वो सब डिस्कस कर लिया, डेली ट्रेंड देखो, की लेवल्स मार्क किया, कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर कैसे देखना है, एंट्री सिग्नल कैसे बनाया, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया। दिस इज द ट्रेड प्लानिंग मैन। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली 1 महीने फॉलो करोगे ना, 1 मंथ आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करके देखो, रिजल्ट्स आपको इंप्रूवमेंट में मिलेगा। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर सब रिकॉर्ड करो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, लिटरली बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अवर चैनल, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा इंट्राडे डाटा या मेरे कुछ भी थॉट्स होते हैं या जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड मेरा एनालिसिस है मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अगेन गाइस।